फ्रेंड, हमारे आपके सबके यहाँ बहुत सा ऐसा सामान होता है जो कि काफी पुराना हो चुका होता है और जिसका कि या तो थोड़ा बहुत टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कि उसका कलर वगैरह हल्का पड़ जाता है, जिसके कारण कि वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हम सोचते हैं कि उसको बाहर निकाल दें, लेकिन मन भी नहीं करता कि उसको हम बाहर निकालें। इसी तरह से आज हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो इसी तरह से निकाली हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उनको हम अपने घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो सोचा कि आज इन्हीं का कुछ रीयूज़ करना चाहिए, कुछ नया बनाना चाहिए और कुछ अपने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ नया बनाना चाहिए, जिसमें कि जो है तो वो हमारा बजट में भी रहे और हमारा काम भी चल जाए। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें आज हमने निकाली हैं, तो उनमें सबसे पहली चीज़ तो है, देखिए इस तरह से ये मटकी है और इसका शेप जो है तो काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दें कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये काफ़ी पुरानी है, कम से कम 18 से 20 साल बल्कि ज़्यादा ही ये पुरानी होगी। जब शुरुआती टाइम पे हम अपना DIY और पेंटिंग वगैरह इस तरह से करते थे, उस टाइम का ये है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि इधर पर ये सब कुछ ख़राब हो गया है बिल्कुल, और इस तरह से ये देखिए इधर पर ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो सोचा कि इसको कुछ नया बना देना चाहिए। और साथ में इधर पर आपको दिखा दें कि ये कुछ कोन वर्क किया था, ये इस तरह से ये कोन वर्क है। तो सोचते हैं कि इसको भी कुछ नया कर दें। तो इसको किस तरह से करते हैं ये तो आपको आगे देखने को मिलेगा। और साथ में इसी तरह से देखिए इस तरह से ये गणेश जी की ये प्रतिमा है, तो ये भी काफ़ी कहना चाहिए कि कलर वगैरह इसका निकल गया है और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और इसके साथ ही ये काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, आपको ये बता दें, ये इस तरह से काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कलर वगैरह इसका काफ़ी ख़राब हो गया है। और इसको सोच रहे हैं कि कुछ बिल्कुल नया कर दें, जिसके कारण कि ये काफ़ी खूबसूरत हो जाए। तो इनको भी कुछ करेंगे। और साथ में कुछ जो है तो किचन के बर्तन वगैरह भी निकले हैं, तो इनको किस तरह से यूज़ करना है तो उनको भी अभी सोचेंगे कि किस तरह से बनाएंगे, जिनको कि हम बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो आज कम से कम 12 से 14 ऐसे सामान मिले जो कि काफ़ी पुराने थे, तो सोचा कि इनका रीयूज़ करना चाहिए, इनको कुछ नया बनाना चाहिए। तो उनमें से दो चीज़ें हमने आपको दिखाई, वैसे 10 से 12 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने निकाली हुई हैं और उनको हमको कुछ नया करना है। तो अभी तो हमारे दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं है कि किस तरह से क्या बनाना है, कैसे करना है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखने पर ये पता चलेगा कि हमको इसमें करना क्या है। तो बस इनको हमने निकाल लिया है और अब बनाना हमको शुरू करना है कि इनमें हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह से नया करना है हमको कि जो फेस्टिवल आने वाले हैं तो उनके लिए भी वो यूजफुल हों। तो बस बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी तो इन्हीं दो चीज़ों को अभी हम बनाएंगे, फिर और भी चीज़ें देखेंगे कि किसका किस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इधर पर जो है तो हमने कलर ले लिया था, ये ऑयल पेंट है। और बस इसके बाद सबसे पहले जो बेस कलर में हम करेंगे, कोई भी ऑयल कलर या आप कुछ भी लेते हैं तो उसको सबसे पहले बहुत अच्छे से चला लीजिए, क्योंकि नीचे ये सेट हो जाता है, तो अच्छे से चला लीजिए जिसमें कि एक सार कलर हो जाए। इसके बाद इसको डस्टिंग वगैरह जो है वो कर दीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी काफ़ी बैठ गई थी, तो इसको अच्छे से पोंछ लिया है। इसके बाद 3 नंबर ब्रश से कुछ इस तरह से हमने पूरी जो प्रतिमा थी तो उसको इस तरह से हमने पेंट कर दिया था। और आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऑयल कलर जो है तो काफ़ी अच्छे से चढ़ गया था और इसमें जो फिनिशिंग है तो वो बहुत अच्छी आई थी। इस तरह से ये देखिए पूरे पेंट कर दिए हैं, बहुत अच्छे से हो चुके हैं, ये पेंट पूरे हुए हैं। अब इनको क्या करना है कि ड्राई होने के लिए रख देंगे, और अच्छे से जब ये ड्राई हो जाएंगे कम से कम 4-5 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद देखते हैं कि इस पर क्या करना है। तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया है ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद एक्रेलिक कलर का गोल्डन कलर लेना है। देखिए बनाने में बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन बनने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत ये बनी थी कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो देखिए इधर पर हम स्पंज में एक्रेलिक का गोल्डन कलर ले लेंगे और इस तरह से डैप डैप करके पूरे में इस तरह से कर देंगे, तो इनकी जो ज्वेलरी है या जो उभार दिए हुए जितना भी जो कुछ था तो उसमें बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ गया था। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी एक प्रतिमा बन के तैयार हो गई थी, बिल्कुल ही नई हो गई थी। आप सोचिए बस इस पर हमने वार्निश कर दिया था और काफ़ी खूबसूरत सी ये बनके तैयार हो गई थी। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पुरानी पड़ी हुई चीज़ को भी किस तरह से नया बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी पुरानी चीज़ को ना फेंके और कुछ इस तरह से इसको बिल्कुल नया कर दें। दो
दूसरे DIY के लिए पहले तैयारी कर लेते हैं। जो मटकी आपको पहले दिखाई थी तो उस पर पहले कुछ कोन वर्क कर लेंगे और साथ में जो वॉल पुट्टी है तो उसको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले कोन बना ली थी, देख लीजिए। कोन बनाने के लिए सबसे बिल्कुल सॉफ्ट जो पॉलीथिन है, या तो आप अमूल दूध की पॉलीथिन ले लीजिए या फिर आप इस तरह से नमक वगैरह की पॉलीथिन ले लीजिए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो उसको इस तरह से कोन बना लेना है। देखिए, इधर पर आप सेलो टेप वगैरह लगा दीजिए जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए, बाहर का और अंदर का पोर्शन एक के ऊपर एक होना चाहिए क्योंकि हमको इधर पर सिलाई लगानी थी, तो इस कारण से एक के ऊपर एक लेने के बाद सुई धागे से इसको हमने पूरे में ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा दी थी। नीचे का छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन जो है इतना ये छोड़ दीजिएगा, नहीं तो पूरी तरह से ये पैक हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए पूरी सिलाई हमने इसमें लगा दी थी। और इसके बाद जो है तो हमने वॉल पुट्टी है उसको भी तैयार कर लिया था, तो उसमें हमने वॉल पुट्टी और साथ में फेविकोल और पानी लेके एक पेस्ट जो है तो वो तैयार कर लिया था। कोन बनाने के बाद आप इसको चाहे तो धागे से बांध दीजिए या रबर बैंड लगा लीजिए, तो इस तरह से आप अच्छा टाइट बांध लीजिए और फिर नीचे से कट करके इसको कोन वर्क करना है। तो देखिए, इधर पर हमारी कोन तैयार हो गई थी, साथ में जो ये हमारा प्लांटर था तो इसको कुछ इस तरह से हमने पहले गणेश जी पे पूरे पे वॉल पुट्टी लगा दी थी जिसमें कि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, और साथ में इस तरह से कोन फिर से ऊपर से कर दी थी जिसमें कि इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इसके बाद इस पर भी हमने जो है तो अच्छे से सैंड पेपर से इस तरह से घिस दिया था जिसके कारण कि स्मूथ हो जाए, और इसके बाद जो है तो हमने कलर किया था जिसके कारण कि कलर बहुत अच्छे से इस पर चढ़ गया था क्योंकि घिस देने से इसकी सरफेस जो है तो काफ़ी स्मूथ हो गई थी। इसके बाद हमने पेंट कर दिया गणेश जी पे और पूरे पॉट पे। इस तरह से पेंट कर देने के बाद जो है तो हमने इस पर डस्ट पाउडर जो आता है ना, ये देखिए, ये इस तरह से आपको हार्डवेयर पर मिल जाएगा, सिल्वर गोल्ड कॉपर हर तरह का मिल जाता है, बस इसको आपको लेना है एक पेपर पर। इसके पहले भी हमने जो है तो एक वीडियो में आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्योंकि इधर पर देखिए इसमें कागज़ में लेके कुछ इस तरह से फूंक मार देना है, इसका पूरा जो था तो वो थोड़ा स्किप हो गया है, तो हम आपको उसका लिंक डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मटकी भी बिल्कुल यूनिक जो है तो बन के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल पुरानी और बेकार चीज़ों को भी किस तरह से अपन बिल्कुल नया बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है तो दूसरा इसमें आप प्लांटर लगा दीजिए, फेक प्लांट लगा दीजिए, या फिर इसमें रियल प्लांटर जो है प्लांट के जो प्लांटर होते हैं उनको भी डाल के आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है तो कुछ इस तरह से स्टील के बर्तन थे तो इनको भी सोचा कि कुछ बना देना चाहिए, तो इस पे हमने कुछ किया है स्प्रे पेंट। ये पेंट काफ़ी पुराना था इसलिए उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आ गया था।